पनीर की सब्जी बनाने के लिए 200 ग्राम पनीर, एक छोटा कटा हुआ टमाटर, 2 टेबलस्पून तेल, आधी टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 2 टेबलस्पून धना जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून मिरी पाउडर, 1 टीस्पून हरी मिर्ची पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज्वारी का आटा और धनिया कटा हुआ। आज मैं आपको पनीर की सब्जी बनाना सिखा रही हूँ। कढ़ाई में तेल ले रही हूँ। कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को सौते करना है। हमारे टमाटर सौते हो गए हैं, उसमें अब हम सारे मसाले डाल देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 2 टेबल स्पून धना जीरा पाउडर, 1 अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टीस्पून। अब ये सब मसाले डाल के सौते करने हैं। सौते करने के बाद उसमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ, हाफ टी स्पून, और ब्लैक पेपर पाउडर भी डालना है उसमें। वापस सब साथ में मसाला मिक्स करके सौते करना है। उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालो। अब सब मसाले सौते हो गए हैं। अब उसमें पनीर डालना है। 200 ग्राम पनीर लिया हुआ है मैंने। पनीर के साथ भी थोड़ा सौते कर दो। अभी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको एक उबाल आने दीजिए, 2 से 3 मिनट तक। इसमें थोड़ा पानी के साथ थोड़ा ज्वारी का आटा पेस्ट बनाकर डालना है, उसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होगी। अब 2 मिनट उसे उबालना है। अब हमारी पनीर की सब्जी तैयार हो गई है। अब ये हमने पनीर की सब्जी तैयार कर दी है। पनीर की सब्जी के साथ फुलके और पराठे खा सकते हैं।